आइए जानते हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट साई केतन राव के बारे में, कैसे साई केतन राव पहुंचे बिग बॉस के घर में। दोस्तों, अगर हम बात करें साई केतन राव के बारे में, तो साई केतन राव को हमने कई सारे टीवी शोज में देखा है। क्या आप ये जानते हैं कि साई केतन राव जो है पहले एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। उन्होंने अपनी जर्नी जो है बॉम्बे में आकर शुरू की। इससे पहले उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है। साउथ इंडस्ट्री के कई सारे वेब सीरीज में वो नजर आ चुके हैं। साई ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके पेरेंट्स एक्टिंग करियर को कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। MBA कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में जॉब मिली थी, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और कई सारे ऑडिशंस में उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा और इसी वजह से साई काफी ज्यादा परेशान भी थे। जैसे तैसे करके साई केतन राव को उन्हें मेहंदी है रचने वाली शो मिला, जहां से साई केतन राव को एक अलग पहचान मिली। साई केतन राव ने अपने फैंस का दिल जीता था मेहंदी है रचने वाली शो से। इसी के साथ साथ उन्हें इमली शो में भी देखा गया था, जहां पे फैंस ने उन्हें और भी ज्यादा पसंद किया। साई केतन राव अब बिग बॉस OTT सीजन 3 में आ रहे हैं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहां पे फैंस का दिल जीतने में साई कितने ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.